लोग खेलने वाले हैं एनिमल रिवॉल्व बैटल सिमुलेटर। और आज हम लोग इसके अंदर बनाएंगे एक बहुत बड़ा यूनिट, और उस यूनिट का हम लोग नाम रखेंगे डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स, जो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फिर चलो शुरू करते हैं। बल्कि डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स नहीं, डिस्ट्रॉयर ऑफ द सन, यानी वो सन को डिस्ट्रॉय करने आया होगा। तो फिर चलो हम लोग इसका जल्दी से मुंह लगा देते हैं। और क्योंकि ये है डिस्ट्रॉयर ऑफ द सन, इसकी बीम होगी येलो। और अब हम लोग लिम्स पे जाके ये लेके ऐसे ही लगा देंगे एक इधर, और अब लगा देंगे एक इधर। चलो ये तो हो गया। अब बड़ी है पूंछ की, पूंछ के लिए ये लगाई टी रेक्स की पूंछ। और अब हमें लगाने हैं इधर ये टेंटिकल्स। तो फिर बहुत सारे टेंटिकल मैं लगा दूंगा इसके अंदर, और फिर द डिस्ट्रॉयर ऑफ द सन रेडी हो जाएगा। और फिर हम लोग इसे अपने एक और बड़े यूनिट के साथ लड़वा के देखेंगे। वो एक यूनिट मैंने आपको दिखाया नहीं होगा कभी भी, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा जब देख लीजिए उस यूनिट को। तो फिर अभी इसे देखते हैं। चलो अभी इधर एक लगा दिया, और अब एक और इधर लगा दूंगा। चलो और अब मैं इधर लगाऊंगा एक लाइटनिंग गन, एक बड़ी वाली लाइटनिंग गन और एक सबसे बड़ी लाइटनिंग गन। और फिर इधर होगा एक तेरी ये क्या हो गया, रुको हाँ सही है, अब सही है। एक छोटी वाली येलो प्लाज्मा कैनन इधर लगाता हूँ मैं। टोटल पांच सही रहेंगी। चलो हमारा द डिस्ट्रॉयर ऑफ सन रेडी है। इसका नाम मैं सन डिस्ट्रॉयर ऑफ सन रख देता हूँ। डिस्ट्रॉयर ऑफ सन। तो आ चुका है हमारा डिस्ट्रॉयर ऑफ द सन। तो फिर चलो देखते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ द सन हमारे और यूनिट जिसका नाम है होपू, होपू को मार सकता है। चलो ये रहा, पहले हम लोग होपू का पुराना वर्जन रखते हैं। मैंने होपू को अपग्रेड करके और स्ट्रॉन्ग किया था। चलो देखते हैं पहले इसका पुराना वर्जन मार पाता है। ये रहा उसका पुराना वर्जन। हाँ होपू के ऊपर इस द डिस्ट्रॉयर ऑफ द सन से ज़्यादा वेपन से लगे हैं। देखते हैं कौन। तो चलो देखते हैं अगर इसने इस वाले होपू को मार दिया तो फिर देखते हैं ये होपू वर्जन 2 को मार सकता है या फिर नहीं। अरे मैंने कुछ ज़्यादा ही पार कर दिया। तो इधर अब मार के दिखाई इसे होपू, सॉरी डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर ऑफ द सन को तो इसने मार डाला रे।